मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के लिए 1,000 रुपए का भत्ता देने के आदेश के बाद से पंचायत राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ठेला, खोमचा, पटरी दुकानदार, मोची और नाई का सत्यापन का कार्य विकास भवन में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश पर ठेला, खोमचे वाले और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले एवं पटरी व्यवसायी हैं, जिनका रोजगार प्रभावित हुआ है, उनको भरण पोषण भत्ता के तौर पर 1,000 रुपए देने का शासन से दिशा निर्देश जारी हुआ था। ऐसे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में खोजने की जिम्मेदारी जिला पंचायत विभाग को दी गई थी। हमारी जो टीम है, ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान, एडीओ, बीडीओ द्वारा खोजकर जो डेटा लाया गया है, उस डेटा को फीड कराया जा रहा है। उसी के आधार पर एडीएम एफआर के पोर्टल पर भेजा जाएगा, फिर वहां से कुबेर पोर्टल के माध्यम से 1,000 रुपए लाभार्थी के खाते में जिला स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के बाद पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तक गोरखपुर में 22,000 डेटा फीड कर लिया गया है, अभी भी 18,000 डेटा फीड करना है, जिसका विकास भवन में फीडिंग का काम चल रहा है। इसके अलावा ब्लॉक पर डाटा फीडिंग का काम चल रहा है, अगले 2 दिन में डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विकास भवन और ब्लॉकों पर कुल 350 कर्मचारी डाटा फीडिंग के कार्य में लगे हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। कार्यस्थल का ब्लॉक हो ही गया है तो ग्राम पंचायत नहीं सिलेक्ट कर रहा है, ग्राम पंचायत धुरिया पर है, क्या किया जाए इसको? मालूम है हेलो, आज तो भैया थोड़ा मुश्किल होगा हम लोग के लिए। तो लोग में से 70-80 लोग ऐसे होंगे ऐसा नहीं रहा। अरे भैया, जैसा कि ज्ञात है कि शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी हुआ था कि कोरोना काल में जितने भी ठेला वाले, खोमचा वाले या जो दैनिक मजदूर करने मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं या जो अन्य पटरी दुकानदार हैं या मोची है, नाई है, हलवाई है, ऐसे लोग जिनका कि कोरोना काल में जिनकी की जीवन यापन में दिक्कत हुई, जिनका के रोज़गार प्रभावित हुआ, ऐसे लोगों को भरण पोषण भत्ता के तौर पर 1,000 रुपया देने का दिशा निर्देश शासन की ओर से हुआ था और ऐसे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में खोजने की जिम्मेदारी जिला पंचायत अधिकारी को दी गई थी। तो हम लोग जो अपने जो टीम है उसके द्वारा जो है ग्राम पंचायत सचिव हैं, प्रधान हैं और बाकी लोगों के द्वारा जो है
रेडियो और वीडियो के द्वारा इसको खोज करके जो हमारे पास डेटा लाया गया है उस डेटा को फीड कराया जा रहा है। इसी के आधार पर फिर ADMFR के पोर्टल पर इसे भेजा जाएगा, फिर वहाँ से कुबेर के मार्फत से 1000 रुपये की धनराशि इनके खाते में ट्रांसफ़र होगी जिला स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के बाद। तो अभी तक गोरखपुर में कुल हम लोगों ने 22,000 डेटा को फीड कर लिया है और लगभग हमारे पास अभी भी 18,000 डेटा आज के दिन में अभी भी हमारे पास पड़े हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं पूरी टीम लगातार लग करके फीड कर रही है जिले पर भी, इसके अलावा जो ब्लॉक पर है ब्लॉक पर भी कई टीमें लगी हुई है वो भी इसको फीड कर रहे हैं। तो अगले 2 दिनों में हमारा लक्ष्य है कि जितने भी डेटा जितने भी गरीब लोग हैं इस तरह के लोग हैं जो कि कोरोना काल में इनका रोजगार प्रभावित हुआ, ऐसे सब लोगों को शासन के मनसा के अनुरूप जो भी धनराशि मिलनी है उसको मिलने के लिए डेटा फीड हो जाए। कुल मिला करके लगभग 120 कर्मचारी तो यहीं लगे हुए हैं जिले पे और हर ब्लॉक में 10 कर्मचारी कम से कम लगे हैं, कुल मिला के लगभग 350 कर्मचारी फीडिंग के कार्य में लगे हुए हैं आज के दिन में रविवार होने के बाद भी।